सीएसपी संचालक से लूट मामले के फरार अपराधियों के घर पुलिस ने चिपकाई कुर्की जब्ती। इश्तेहार हरलाखी मधुबनी। पीएनबी बैंक संचालक से लूट मामले की फरार वारंटी के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती इश्तेहार चिपकाई है। दरअसल न्यायालय के निर्देशानुसार कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई उपेंद्र प्रसाद ने खिरहर थाना क्षेत्र के भरन टोल निवासी गौतम कामत व हरलाखी थाना क्षेत्र के बलवाहा गांव निवासी राकेश यादव के घर कुर्की जब्ती इश्तेहार चस्पा की है। विदित हो कि 20 अप्रैल को पीएनबी बैंक के सीएसपी संचालक बरही गांव निवासी संत राय, जो पीएनबी उमगांव से पैसा लेकर सीएसपी के लिए लौट रहे थे, इसी क्रम में उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित कोवाहा गांव के समीप नागपोष अपराधियों ने पिस्टल के भय दिखाकर 2,43,000 रुपए समेत मोबाइल लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर इस मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन की गई। हालांकि घटना के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने एक अपराधी मोहनपुर गांव निवासी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। वही पुलिस के अनुसंधानकर्ता में राकेश यादव व गौतम कामत घटना में संलिप्त होने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर उक्त दोनों अपराधियों के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाई है। हालांकि इस संबंध में थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया, समय सीमा के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया तो दोनों अपराधियों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। भरन टोल में इश्तेहार चिपका गया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि गौतम कामत घर से फरार है। क्या घटना है? घटना लूट का है, पैसा छीन छोर किया है। सीएसपी संचालक बोला? हाँ, सीएसपी संचालन से जो जा रहा था वो पैसा उससे छीन लिया है। आज क्या किया गया है? आज क्या किए पुलिस के द्वारा? आज इश्तेहार सटा गया है उसका दीवार पर। यदि ससमय हाजिर नहीं होगा तो? हाँ, ससमय हाजिर नहीं होगा तो उसको कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। कुर्की जब्ती इश्तेहार चुपकाया गया है, क्या है मामला? मामला है सीएसपी का ही, पैसा छीन लिया है रास्ता में, उसी के चलते इसका इश्तेहार सटा रहा है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है राकेश कुमार यादव। घर? घर है बलुआहा। ठंडा पानी। निर्देश दिया गया है कि अगर नहीं, अगर हाजिर होते हैं तो कुर्की जब्ती का वारंट निकलेगा, सब चौखट कबारी जाएगा यहाँ से कवर करके। बैठा तू।